भी शेड्यूल करना तो कर लो, बाद कर लो, मैंने ऐसे अपलोड हो जाएगा। वीडियो मेरी जी बेटे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जी बेटे, हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ, आपको फिर नजर आए तो आगे बताना मुझे। हाँ जी सर, ठीक है सर। जी बेटे, डेटाबेस की स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर, जी सर आ रही है। हम आज ना चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज की तरफ ही जाएंगे। अभी बच्चे ज़्यादा नहीं हैं, थ्योरी हमने पढ़नी थी, लेकिन मैं उसको सिर्फ टेबल के हवाले से ही बात करूँगा आज दोबारा से। हम पहले ब्लैंक डाटाबेस बनाएंगे जैसे बनाते थे, ठीक है? ब्लैंक ठीक है डाटाबेस सर। पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा नई डेटाबेस का। उसको आपने कहाँ रखना है उसका पाथ आप चूज करेंगे। हम कहते हैं न्यू डॉक्यूमेंट में रहने दो, उसका जो भी नाम रखना है। हम यहाँ कहते हैं, हम कहते हैं कि डी कॉम बी सेक्शन है, तो हम यहाँ जी पे सर, बी सेक्शन आप कर लेंगे, ठीक है? जी और क्रिएट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी डेटाबेस बन जाएगी। ये देखिए, हमारी डेटाबेस बन चुकी है, ठीक है? डी कॉम बी सेक्शन। इसमें सर, हमने टेबल, आज हम देखते हैं डिजाइन व्यू में टेबल कैसे बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है? इस पर डबल क्लिक करेंगे, टेबल का डिजाइन जाहिर होगा जी सर, जो कि चार हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। सबसे पहले फाइल नेम आएगा, सॉरी फील्ड नेम आएगा, उसके बाद डेटा टाइप आएगी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आएगी, डाटा और चौथी टाइप, क्या है, फील्ड प्रॉपर्टीज। फील्ड प्रॉपर्टीज, फील्ड प्रॉपर्टीज। आप फील्ड नेम में नाम रख देते हैं फील्ड का, जो भी आप रख लेना चाहते हैं, से रोल नंबर आप रख लेते हैं। उसके बाद डेटा टाइप चूज करते हैं। डेटा टाइप्स हम पढ़ चुके हैं पहले, सारी की सारी टेक्स्ट वो डेटा टाइप्स होती है मेमो, जिसके अंदर हमने टेक्स्ट और नंबर दाखिल करना हो, लेकिन उसकी रेंज कितनी हो, 64,000 या 65,535। ये तो सर मेमो की नहीं है। टेक्स्ट की, जी टेक्स्ट सर, की, टेक्स्ट की हम बता रहे हैं। नहीं, टेक्स्ट की होती है 255 तक, 0 से लेकर 255 तक। वही सर हाँ पूछ जी, रहे। हाँ, टेक्स्ट की होती है 0 से लेकर 255 करेक्टर तक। मेमो की होती है 64,000, 64,000 तक या 65,535 तक। और पैंतीस अगर हमने सिर्फ नंबर दाखिल करना है, वो नंबर जिसके ऊपर हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए हम नंबर डेटा टाइप को चूज करते हैं। और अगर किसी फील्ड के अंदर हमने डेट और टाइम का अंदराज करना है, तो उसके लिए डेट एंड टाइम डेटा टाइप को चूज करते हैं। करेंसी की एंट्री करनी है विद सिंबल, तो करेंसी को यूज़ करते हैं ऑटोमेटिक तरीके के साथ। अगर हमने सीरीज बनानी है कि हमें खुद एंट्री ना करनी पड़े, ऑटोमेटिकली एंट्री होती रहे सीक्वेंस के अंदर, तो हम ऑटो नंबर यूज़ करते हैं। और अगर हमने कोई बूलियन डेटा टाइप दाखिल करनी है, बूलियन हमने पढ़ा था कि जिसकी दो कंडीशन होती हैं, जैसे कोई स्टूडेंट आता है, एक क्लास है तो उसमें मेल फीमेल है, ठीक है, तो उसके लिए, या मैरिड या अनमैरिड शख्स उसके लिए, या जॉब या विदाउट जॉब बंदे हैं उनकी एंट्री करनी है, दो कंडीशन आ गई ना। जी सर, तो उसके लिए जी हम यस एंड नो डेटा टाइप को यूज करते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज बूलियन डेटा टाइप, बूलियन डेटा टाइप। हाँ जी, OLE, OLE stands for object linking and embedding. Embedding, embedding. इसके लिए मेरे बच्चों, हम अगर हमने कोई पिक्चर वगैरह इंटर करनी हो, ठीक है, तो उस फील्ड के हम डेटा टाइप जो है इमेज वगैरह के लिए OLE रखते हैं। अगर हमने किसी फील्ड का लिंक बनाना हो, हाइपर लिंक बनाना हो दूसरी के साथ, उसके लिए हाइपर लिंक यूज करते हैं। और अगर हमने विजिट्स के सेट करने हो, उसके लिए अपर लुकअप विजिट। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है डिटेल के साथ, अभी जस्ट उसको गो थ्रू किया है। तो रोल नंबर के लिए हम अभी टेक्स्ट रख लेते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होता है, अगर हम यहाँ कुछ लिख दें
तो जब हम डेटा शीट व्यू में जाएंगे तो यहाँ जो कुछ भी लिखा होगा वो हमारा डेटा शीट व्यू के अंदर उस फील्ड के ऊपर जैसे कर्सर लेके जाएंगे वहां नजर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस फील्ड इज यूज टू एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी मैं यहाँ लिखूंगा लिखी मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन तो वहां पे ये चीज नजर भी आएगी। ऐसे ही मैं यहाँ एक और नाम रख देता हूँ फील्ड का, उसकी डेटा टाइप टेक्स्ट रख देते हैं, उसके बाद फादर नेम कर लेते हैं, उसकी डेटा टाइप टेक्स्ट रख लेते हैं, उसके बाद मार्क्स कर लेते हैं। अब देखिए मार्क्स जमा तो फ्री होना है तो हम क्या करेंगे नंबर करेंगे, कैलकुलेटेड फील्ड डाल देंगे, ठीक है जी सर, नंबर जी सर। उसके बाद सेल नंबर रख लेते हैं तो उसकी भी हम डेटा टाइप टेक्स्ट रख लेते हैं, ठीक है। इस तरह हम ये फील्ड इतनी बना लेते हैं। अब अगर हमने प्राइमरी की लगानी है इनमें से किसी फील्ड के ऊपर, ठीक है, तो हम प्राइमरी की भी लगा सकते हैं। प्राइमरी की क्या होती है, टेबल की फील्ड में से ऐसी फील्ड जो डाटा की रिटेंडेंसी को कम करती है, जो डाटा की डुप्लीकेशन को कम करती है, जिससे डुप्लीकेशन ऑफ डाटा जो है उसको हम रोकते हैं, डाटा को डुप्लीकेशन होने से रोकते हैं, रोकते हैं। तो आपके ख्याल में कौन सी फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड है इसके लिए? रोल नंबर दोबारा एक हो सकता है, जो अवेलेबल फील्ड उनमें से देखो पांच फील्ड है कौन सी स्ट्रॉन्ग है जिसमें डुप्लीकेशन के चांस कम से कम होते हैं। सेल नंबर, सेल नंबर दो बच्चे एक जैसे हो सकते हैं और अपने वालिद का अगर वो सेल दे दे फिर सर अपनी तरफ से एक नई फील्ड दर्ज करेंगे। हाँ अपनी तरफ से आप ऐड कर सकते हैं लेकिन अवेलेबल जो है इनमें से फिलहाल रोल नंबर और सेल नंबर को आप देख सकते हैं, ठीक है। हम फिलहाल रोल नंबर को लगाते हैं जिसको हमें प्राइमरी की लगाना है, उस रो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, प्राइमरी की के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं कि वो फील्ड प्राइमरी की बन गए। अब इस टेबल को हम सेव कर लेंगे, ठीक है सर, टेबल वन के नाम से, ठीक है, ओके कर देते हैं। इसको इधर से बंद कर दें या इधर से आप देखें तो ये आपके पास क्या आ गया, टेबल बनी हुई आ गई। ये वाला जो व्यू है इसको डाटा शीट व्यू कहते हैं और ये वाला जो व्यू है इसको आप डिजाइन व्यू कहते हैं। हर ऑब्जेक्ट के दो व्यू होते हैं, एक डाटा शीट व्यू और एक डिजाइन डिजाइन, ठीक है डिजाइन। इसमें हम एंट्री करके देख लेते हैं, रोल नंबर वन को हम मूव करवाते हैं, टैब से आगे भेजाते हैं और शिफ्ट टैब से पीछे जाएंगे। नेम फर्ज करो अली है उसका, फादर नेम सलीम है, मार्क्स उसके जो कोई भी हैं, और ऐसे ही यहाँ पे उसका सेल नंबर लिख दे, टैब से आगे चले जाएंगे। रोल नंबर टू नोमान आबिद ऐसे ही उसका सेल नंबर है, ठीक है ठीक है। ऐसे ही आप ऑर्डर एंट्री करते जाएंगे। अब मैं देखता हूं रोल नंबर, इसको दोबारा एंट्री करता हूं यहां पे रोल नंबर वन, किसी और नाम से अगर मैं कर देता हूं। आप अपने माइक को म्यूट कर लें, आपके घर की आवाजें आ रही हैं, अगर आप माइक को म्यूट कर लेंगे तो फिर नहीं आएंगे। जमील के बाद कामरान, इधर आप जैसे ही सेल नंबर दे के आगे कुछ भी एंट्री करना चाहोगे जाओगे। अब देखिए फौरन आपके पास मैसेज आ गया, क्या
the changes you requested to the table were not successful. क्यों? Because they would create duplicate value in the index or in primary key. के जो आप कर रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं होंगी क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेशन लेके आ रहे हैं. हमने रोल नंबर को तो यूनिक वैल्यू रखा था जी, इसलिए उसको नहीं लेगा जब तक इसको हम चेंज नहीं करेंगे वो आगे नहीं जाएगा. अब हमने चेंज कर लिया, अब हम जाते हैं तो वो आगे ले लेगा उसको. ठीक है, ये तो उसका फंक्शन था. अब हम देखते हैं इस सेल पे आते हैं तो यहाँ स्टेटस बार में डाटा शीट कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा. लेकिन यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे वो जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी वो यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी. ठीक है, ये वो फंक्शन होता है डिस्क्रिप्शन का. जो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जैसे ही आप उस कॉलम के ऊपर जाएंगे तो वो आपको नीचे नजर आएगा. ठीक है बेटा, इस तरह हम क्या करते हैं, हम अपनी टेबल बनाते हैं कहाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर. ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर था जी सर. हाँ, शॉर्ट सा. अभी बच्चे और भी नहीं है, और भी आए तो इंशाल्लाह हम उसको भी देखेंगे तो इसको लेके चलेंगे. सबको बताओ. ठीक है सर. हाँ, बहुत शुक्रिया आप लोगों का. अल्लाह हाफिज. ठीक, अल्लाह हाफिज सर.